हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए कृष्ण शाइवर ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सेट ए है। अगर आपको कृष्ण ओलंपियाड के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट में हमें लिखकर बताएं। इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी कि कृष्ण ओलंपियाड क्या होता है, इसके एग्जाम कब होते हैं, इसके सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या रहते हैं, वो सारे आपको पूरे डिटेल्स एक वीडियो में बनाकर दूंगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन पेपर समझते हैं कि कृष्ण साइबर, इससे पहले हम साइबर ओलंपियाड से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं, इसी में आप दूसरे साइबर ओलंपियाड के भी क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए, इसमें एक घंटे का टाइम रहता है और मैक्सिमम मार्किंग 45 रहती है और एडिशनल 10 मिनट्स जो है इस एग्जामिनेशन में OM और सीट भरने के लिए दी जाती है। टोटल 35 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन 2 सेक्शंस में बटे रहते हैं। पहला सेक्शन है कंप्यूटर एंड IT एंड सेकंड अचीवर सेक्शन। 25 क्वेश्चंस जो हैं ईच 1 मार्क्स के रहते हैं और 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं। इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है और साथ ही इस एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करने का परमिशन नहीं रहता है। और आप यहाँ पर HB पेंसिल ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन से OMR शीट को भर सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं, ये OMR शीट भरने, ये क्वेश्चंस पेपर है, बुकलेट को यहाँ पे कैंडिडेट नेम लिखना होता है, क्लास सेक्शन और कृष्ण आईडी। जब कृष्ण ओलंपियाड में रजिस्टर होते हैं तो वहाँ पे एक आईडी नंबर दिया जाता है, वो यहाँ पर फिलअप करना पड़ता है। कृष्ण ओलंपियाड के फॉर्म आप स्कूल वाइज या इंडिविजुअल दोनों तरह से भर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर IT एंड ईच क्वेश्चन इन 1 मार्क। फिल इन द ब्लैंक्स। डिफरेंट बैंक ट्रांजेक्शन कैन बी डन ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, दिस इज ऑल्सो नोन एज। डिफरेंट बैंक जो है कंप्यूटर सिस्टम से ऑनलाइन वर्क ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ए ई बुक, बी ई बिजनेस, सी ई बैंकिंग एंड डी ई मार्केटिंग। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ई बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस इज सेम एज दैट द जीरोक्स मशीन एक्सेप्ट फॉर दैट इज क्रिएट द डिजिटल कॉपी। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सेम जेरोक्स मशीन की तरह काम करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए, दिस इज स्कैनर। स्कैनर से हम जेरोक्स कॉपी सेम टू सेम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ए इट कैन वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड। इसमें से 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो कंप्यूटर के बारे में कौन से स्टेटमेंट गलत है वो हमें टिक लगाना है। ए इट कैन वर्क एट वेरी हाई स्पीड, कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड से काम कर सकता है। बी इट कैन नॉट फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर इन इट, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इसके अंदर स्टोर किया गया है तो कभी भी नहीं भूल सकता है। एंड सी इट कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक ऑन इट्स ओन, खुद से कभी भी कोई मिस्टेक नहीं कर सकता है। एंड डी इट कैन नॉट डू द सेम टास्क अगेन एंड अगेन एज डायरेक्टेड बाय द यूजर। अगर यूजर के द्वारा सेम टास्क इसे अगेन एंड अगेन दिया जाए तो वो नहीं करता है, दिस इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द इंटरनेट कैन बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। इंटरनेट इनमें से कौन से एरिया में यूज किया जाता है, इंटरनेट के लिए कौन कौन, इन सभी काम करने के लिए इंटरनेट कैन बी यूज विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, इनमें कौन से एरिया में इंटरनेट के द्वारा यूज किया जाता है। ए शॉपिंग, बी चैटिंग, सी रीडिंग ई बुक, डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। इन सभी चीज़ों के लिए इंटरनेट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द गिवन डिवाइस, ये कौन सा डिवाइस है। चलिए इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं, ऑप्शन इधर आ जाते हैं। ऑप्शन है ए
कैलकुलेटर, बी मॉडर्म, सी कॉन्सेप्ट कीबोर्ड एंड डी स्कैनर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कॉन्सेप्ट कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द ऑड वन आउट, ए बी सी एंड डी। इसमें से कौन से ऑप्शन अलग हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दिस इज एक्सेल सॉफ्टवेयर एंड ए सी एंड डी इज द आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 7। Which of the among of following options best fits on the given description? इसमें से कौन सा सबसे best fit होगा description पे? It is also known as volatile memory. 2. Directly accessible to the CPU. 3. Comprises of the internal memory and D. Small in size. A. Flash memory. B. Tertiary memory. C. Secondary memory. या D. Primary memory. ये चार descriptions जो है 1 से 4 तक किस प्रकार के memory के लिए कहा जा रहा है? तो correct answer हो जाता है यहाँ पर option B. Primary memory. चलिए next question number 8. Dave and Eva were working in a group activity. They want to document an assignment that were stored in Eva's local computer. However, Dave is unaware which among the following options should be used to convenient and efficient file sharing. अगर Dave and Eva एक group बनाकर group activity करते हैं और Dave जो अपने document और assignment को ईवा के लोकल कंप्यूटर में स्टोर कर देता है, तो हाउ वेर डीवा अनेबल विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी यूज कन्वेंट एंड इफिशियंट ऑफ फाइल शेयर। तो डीवा जो है अपने फाइल को किसके माध्यम से शेयर कर पाएगा? यहाँ पे हो गया चिप, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एंड मदरबोर्ड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में डीवा अपने असाइनमेंट और ग्रुप एक्टिविटी डॉक्यूमेंट एंड असाइनमेंट को सेव करके एक जगह से दूसरे जगह या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ओलिवर वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन एमएस पेंट एप्लीकेशन, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विल हेल्प हर टू डू सो। ओलिवर चाहती है अपनी न्यू फाइल एमएस पेंट एप्लीकेशन में क्रिएट करना, तो इसमें से वो क्या चूज करेगी? ए व्यू मेनू, बी एडिट मेनू, सी फाइल मेनू या डी हेल्प मेनू। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइल मेनू। फाइल मेनू में जाके वो न्यू फाइल को क्रिएट करके वहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मैच ऑफ द फॉलोइंग, कॉलम ए एंड कॉलम बी में ऑप्शंस को मैच करना है। ए सेविंग ऑफ फाइल, फाइल मेनू, बी कॉपिंग ऑफ फाइल, एडिट मेनू एंड थ्री जूमिंग एंड इमेज टूल्स बॉक्स। तो इस प्रकार इसके ऑप्शंस हमारे आ रहे हैं, ए का 1, बी का 2 एंड सी का ए का बी, 2 का सी एंड 3 का ए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ईच आर फॉल्स, इसमें से कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं? स्टेटमेंट 1, पावर सप्लाई यूनिट
plays a vital role in the computer system. Power supply computer system के लिए vital role का काम करता है. Statement 2, RAM is slower than the secondary device. RAM जो है secondary device से slow होता है. And statement 3, read only memory is the physical hardware inside the computer that temporarily store data. Read only memory, physical hardware and temporary memory में ही उसको शेप करता है. So statement 2 and 3 is the false. So correct answer हो जाएगा option B. Statement 2 and 3 false. Question number 13. Fill in the blanks. The quartet option is one of the dash option of MS Word application. इनमें से कौन सा ऑप्शन MS Word applications में quartet options में यूज होता है. ए पेज ओरिएंटेशन, बी फॉन्ट नेम, सी फॉन्ट स्टाइल, डी इंडेंटिंग. करेक्ट आंसर हो जाता है पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन इज द MS Word application. द quartet ऑप्शन इज द वन ऑफ द पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन ऑफ MS Word application. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हम देख लेते हैं. Find the odd one out of the contest of the internet. इसमें से contest internet के हिसाब से कौन सा अलग है. Online communication, B typing a document, C online recharge and D online bill payment. So correct answer हो जाता है यहाँ पर option B. Typing a document के लिए हमें internet की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ऑप्शन ए सी एंड डी इन तीनों वर्क को करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है. सो odd one out is the option. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. जॉन्स ग्रैंडफादर रीड द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग. जॉन्स के ग्रैंडफादर प्रतिदिन सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. सी अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन डू यू थिंक द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द पेपर. इनमें से वो कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन पेपर को प्रिंटिंग के द्वारा निकाला जाता है, यानी प्रिंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ए स्कैनर, बी प्रिंटर, सी जॉयस्टिक एंड डी स्पीकर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रिंटर. प्रिंटर के द्वारा न्यूज़पेपर को प्रिंट करके पेपर के माध्यम से बाहर निकाला जाता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ करेक्ट ऑप्शंस डैश प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड कंट्रोल द इनकमिंग ट्रैफिक. डैश प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड कंट्रोल्स द इनकमिंग ट्रैफिक. ए फेयरवेल, फायरवॉल, बी सिक्योरिटी, सी अथॉरिटी सर्विस एंड डी ऑथेंटिकेशन सर्विस. सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए फायरवॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. Read the following paragraph carefully and answer the question that follow. Computers have been used by the army to ensure strategic defense over enemy troops. They have used computer to decipher secret message and also encrypt friendly communication. They use satellite image and computer generated image to keep track of the target and vectors. Which of the following best suit of the given description? इस पैसेज पैराग्राफ को केयरफुली हमें पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देना है. पैराग्राफ है कंप्यूटर बहुत ही यूजफुल होता है आर्मी के लिए और उनके एनिमीज को पकड़ने के लिए. दे हैव यूज कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन स्क्रिप्ट डिसिफर स्क्रिप्ट मैसेज और इंक्रिप्ट फ्रेंडली कम्युनिकेशन कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है. आर्मी लोग उसको यूज करते हैं और वो कंप्यूटर्स का यूज सैटेलाइट इमेज एंड कंप्यूटर जनरेट इमेज को देखने के लिए और पर्टिकुलर व्हीकल या ट्रैक को टारगेट करने के लिए यूज करते हैं.
तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सूट ऑफ द गिवन डिस्क्रिप्शन, इसमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन सबसे बेटर होगा। तो कंप्यूटर आर यूज इन बैंक, बी कंप्यूटर आर यूज इन डिफेंस, सी कंप्यूटर आर यूज इन सैटेलाइट एंड डी कंप्यूटर आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी कंप्यूटर आर यूज इन डिफेंस, क्योंकि यहाँ डिफेंस के बारे में बात की जा रही है, तो ये कंप्यूटर आर यूज इन डिफेंस करेक्ट टाइटल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following device that combines CPU, monitor, keyboard and mouse is one unit? इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है डैट कंबाइन करता है CPU, monitor, keyboard and mouse को एक यूनिट में कंबाइन किया जाता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दिस इज अ लैपटॉप। लैपटॉप में ये सारा चीज एक साथ कंबाइन हो रहता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. Emma wanted to prepare a greeting card of Mother's Day using MS Paint application. She want to write a beautiful message in the greeting card. Which among the following option will select the right of the same? अम्मा चाहती है greeting cards बनाना Mother's Day पे, वो MS Paint application का use करते हुए, और वह ब्यूटीफुल मैसेज भी साथ में ग्रीटिंग्स कार्ड में लिखती है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन वो यूज करेगी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए टेक्स्ट। टेक्स्ट को लिखने के लिए एमएस पेंट में यूज किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Anna want to insert a page number at the bottom of page in the MS Word application. Anna चाहती है page number MS Word application में page number bottom पर डालना चाहती है। Which among the following option will she use to insert page number? इसमें से कौन सा option वो use करेगी? A page top, B footer, C header and D page bottom. Correct answer हो जाएगा option B footer. फुटर का वो यूज करेगी, क्योंकि फुटर जो है हम पेज पे नीचे पेज नंबर डालने के लिए फुटर एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। डैनियल वांट टू फिल द शेप विद द कलर ही अनवेयर ऑफ व्हिच एमएस पेंट को सूट यूज, कैन यू असाइन हिम? डैनिस चाहता है अपने अपने शेप को फिल करना, कलर भरना, और वो अनवेयर टू व्हिच मिस, और वो एमएस पेंट टूल्स के बारे में नहीं प्रॉपर जानता है, तो आप कौन सा उसे टूल्स यूज करना सजेस्ट करेंगे? ए फिल कलर, बी शेप इफेक्ट, डी शेप साइज या डी लाइन वेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिल कलर। शेप में हम कलर को फिल करने के लिए फिल कलर ऑप्शंस को यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। Kiwi type two sentences in MS Word document. Her mother asked her to increase the space between the two sentences by one. Which of the following options should she use in order to get the same? Kiwi दो sentences MS Word document में type करती है और उसकी mother उससे पूछती है कि space दो sentences के बीच में one space कैसे increase किया जाए? तो इसके लिए आप कौन सा option उसे suggest करेंगे? तो ऑप्शंस हो जाता है रैप टेक्स्ट, बी टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, सी एडिटिंग एंड डी स्पेसिंग एंड इंडेंटेशन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेसिंग एंड इंडेंटेशन के द्वारा हम सेंटेंस के बीच में गैपिंग और स्पेसिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी से हमें कनेक्ट करना है। www page connectivity between two system, main protocol internet, multimedia pages. So इसके correct answer हो जाते हैं
चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका www पेजेस द मल्टीमीडिया पेजेस हो जाते हैं एंड आईपी एड्रेस कनेक्टिविटी बिटवीन टू सिस्टम्स के बीच में आईपी एड्रेस होता है एंड टीसीपी आईपी इज द मेन प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। सो करेक्ट आंसर हो जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 Identify the peripheral based on the following description. इसमें से जो description दिया गया है उसके हिसाब से peripheral based जो है हमें identify करना है। A, it is the typewriter like device या typewriter की तरह दिखता है। It allow use to fit the computer and 3, it help to execute command with the help of functions key. तो ये टाइपराइटर की तरह दिखता है, ये यूजर को कंप्यूटर फिट कराने के लिए कहा जाता है एंड ये हेल्प करता है कमांड्स को फंक्शंस की के द्वारा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी की बोर्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। Select the odd one out from the following options. इसमें से कौन सा ऑप्शन अलग है? A, B, C and D. Correct answer है ऑप्शन D, printer. Next question number 26, जो कि अचीवर सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नोहा हैज डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड ऑन हर कंप्यूटर। नोहा डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करती इंस्टॉल करती है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विल अलाउ हर सिस्टम टू इंटरैक्ट विद अदर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हर द सिस्टम। इसमें से कौन से ऑप्शंस के द्वारा वो दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करती है और एप्लीकेशन इंस्टॉल अपने सिस्टम में करती है? ए है, बी, सी एंड डी। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और सारे प्रोसेसिंग सिस्टम जो सीपीयू से ही कनेक्ट होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मैच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेंट ऑफ एमएस पेंट। एमएस पेंट में मैच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट ऑफ एमएस पेंट। एमएस पेंट एक कॉलम वन एंड कॉलम बी को इससे हमें इमेज के साथ में मैच करना है। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कौन सा मैच होगा। कॉलम वन नो फिल, बी नेचुरल पेंसिल, 3 fill with color and 4th color picker. So correct answer यहाँ पर हो जाता है fill with color के लिए A हो गया and no fill के लिए हो जाता है ये and 2 का C, natural के लिए natural pencil ये हमारा हो जाता है and color picker ये हो जाता है। So correct answer यहाँ पर हो रहा है option D. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ऑन स्क्रैम्बल विल जंबल वर्ड गिव व्हेन बिलो द आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट। ये जो अनजंबल वर्ड दिए गए हैं इसको हमें आइडेंटिफाई करके इसके स्टेटमेंट को पहचानना है। A, it allow to exchange the information between two or more computer of a network, on a network. यह दो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ नेटवर्क के द्वारा एक्सचेंज करते हैं। B, a device that the interrupt command that computer to make the drawing piece paper with one or more automated pen. And C, it is used for putting information including letter, word, number into your computer. इसका यूज letter, word, numbers को computer में put करने के लिए, information put करने के लिए यूज किया जाता है। एंटी अ डिवाइस यूज टू डिस्प्ले इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, ग्राफिक इंफॉर्मेशन जनरेट बाय अ कनेक्टेड कंप्यूटर।
इस डिवाइस के द्वारा इमेज डिस्प्ले वीडियो एंड ग्राफिक इंफॉर्मेशन को जनरेट किया जाता है, कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन ए। ये जो है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर में नेटवर्क को एक्सचेंज करने के में यूज किया जाता है। दिस इज इन जंबल वर्ड दिस इज द इंटरनेट। इसको सही तरीके से अगर जंबल वर्ड को सही किया जाए तो ये हो जाता है आई एन टी ई आर एन ई टी इंटरनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। स्टेट द विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन करेक्ट। स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट थ्री, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इन करेक्ट है। नंबर वन स्टेटमेंट, इंटरनेट कैन बी कनेक्टेड यूजिंग द वायरलेस टेक्निक। इंटरनेट कनेक्ट किया जाता है वायरलेस टेक्निक के द्वारा। स्टेटमेंट टू, वेब पेज डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनिमेशन। वेब पेज एनिमेशन के लिए कंसिस्ट नहीं होता है। एंड फोर स्टेटमेंट थ्री, इंटरनेट इज यूज फॉर डाउनलोडिंग मूवी। इंटरनेट का यूज हम मूवी को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। ए वनली स्टेटमेंट टू, बी स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट थ्री, सी स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट थ्री एंड डी ओनली स्टेटमेंट थ्री। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, ओनली स्टेटमेंट टू इज द इन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। आई नो वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन प्लीज आपसे निवेदन है इसे स्किप ना करें, पूरा पूरा अवश्य देखें, तभी इसका पूरा फायदा आपको मिल सकेगा। और साइबर ओलंपियाड में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं और अपने बच्चों को समझा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। स्टेट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट वन, द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस्ड डेटा दैट वी सी आर नोन एज द आउटपुट। जब हम किसी डेटा का रिजल्ट देखते हैं उसको हम आउटपुट बोलते हैं। स्टेटमेंट टू, कीबोर्ड ओनली हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल केस कैरेक्टर एंड अल्फाबेट। कीबोर्ड में सिर्फ स्पेशल केस कैरेक्टर और अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन रहता है। एंड स्टेटमेंट थ्री, इनपुट डिवाइस आर यूज फॉर फीडिंग डेटा ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइस का यूज सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम में फीडिंग डेटा को फीडिंग करने के लिए किया जाता है। एंड स्टेटमेंट फोर, इमेज आर कन्वर्टेड इनटू प्रिंटेड डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। इमेज को प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट किया जाता है स्कैनर की मदद से। तो इनमें से चार स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट थ्री। वन एंड थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस बेस्ट फिट द गिवन डिस्क्रिप्शन। इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्रिप्शंस में फिट होगा। ये जो हमारा इमेज दिया गया है 31 में, इसमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन इसमें फिट होगा। पहला है कंसिस्ट ऑफ द बॉल हेल्प बाय द सॉकेट। बी रिसेम्बल लाइक दैट अ माउस माउस की तरह दिखता है। सी कंटेन सेंसर और डिफेक्ट द रोटेशन, सेंसर के द्वारा हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ऑल्सो कॉल एज द पॉइंटिंग डिवाइस, और इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी, दिस इज माउस। क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट फिट इन द गिवन डिस्क्रिप्शन। इसमें से सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन में कौन सा इमेज फिट बैठता है। ए एसेस द टास्क डन बाई ह्यूमन के द्वारा किया जाता है। बी यूज फॉर डूइंग रिपीटेटिव एक्शन, इसके द्वारा एक्शन को रिपीट किया जाता है। एंड थ्री वाइडली यूज फॉर मैनुफैक्चरिंग असेंबलिंग एंड पैकेजिंग ट्रांसपोर्टिंग। ज़्यादातर इसका मेनली यूज मैनुफैक्चर असेंबल और पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट जगहों पर किया जाता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रोबोट या
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। विलियम्स मदर इज अ टीचर। विलियम्स मदर एक विलियम्स की माँ एक टीचर है। ड्यू टू द पैनेडेमिक सी कैन नॉट रीच आउट ऑफ स्कूल। सी आस्क ऑल द स्टूडेंट टू द कनेक्ट द कॉमन लिंक गिवन बाई हर एंड टीचर देम ऑनलाइन। सी ऑल्सो असाइंड देम एंड टास्क दैट इज द कैरिड आउट ऑफ द ईच वन ऑफ देम। उसकी मदर वहाँ स्कूल में नहीं पहुँच पा रही है और वह चाहती स्टूडेंट से पूछती है कि कॉमन लिंक हम किस तरह इस सभी के साथ शेयर करें। सो इसके ऑप्शंस पहले हम देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस हैं Which of the following option best is the given situation? A. Computer are used in marketing. B. Computer are used at home tutoring. C. Computer are used for office. And D. Computer are used for homes. क्योंकि उसकी मदर कम टीचर है. So correct answer हो जाएगा यहाँ पर option B. Computer are used in home tutoring. Question number 34. Miracle internet speed slow down. Which among the following option do you think would not be reason for the same? Miracle's internet speed slow down हो चुकी है और which among following option do you think वो चाहता है कि कौन सा reason इसमें किया जाए? The daily internet quota must have the been executed. B. He might to be low network area. C. Root may be outdated. And D. The computer system would not be working properly. Correct answer is option D. The computer system would not be working properly. अगर माइकल का इंटरनेट स्पीड स्लो डाउन हो रहा है तो यह रीजन निकाल सकता है कि कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। Next question number 35 and this is the last question. Which among the following best fit in the given description? इसमें से कौन सा best description fit होगा? It is the responsible for flow of extend data through USB. B. Hold the microprocessor chip and three. Contain CMOS, BIOS and system bus. तो ये तीनों डिस्क्रिप्शंस ऑप्शंस के लिए कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर है मदरबोर्ड। तो ये थे आपके कृष्ट ओलंपियाड के साइबर ओलंपियाड क्लास 3 के सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। आई होप ये क्वेश्चंस पेपर आपको हेल्पफुल लगे और प्लीज हमें मैसेज करके अवश्य बताएं कि ये क्वेश्चंस पेपर आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।